अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। वेलकम करती हूँ लुबना फूड डायरीज़ में, जहाँ पे आज हम अपने किचन में बहुत मज़ेदार केचप बनाने जा रहे हैं। रमज़ान आने वाला है तो बाकी तैयारियों के साथ साथ तो ये दुनिया की तैयारी भी तो चलती है ना, तो आज हम अपने किचन में केचप बनाएंगे, वो भी बहुत मज़ेदार और लाजवाब बनेगी, टेस्ट में बहुत मज़े की होगी। और जब तक आप प्रिजर्व करना चाहें इसको 5-6 माह तक, ये तो कहीं नहीं जाएगी, बिल्कुल सही रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो मैंने बहुत ही अच्छे से टमाटर लिए हैं, जिनके ये मैं सिरों को मैं ऐसे रिमूव कर दूँगी। सिरे रिमूव करके यहाँ से मैं दरमियान में से कट लगा दूँगी, ठीक है। इसी तरह ये मैंने सारे कर लिए, ये सिरे रिमूव करेंगे और दरमियान में से हम ऐसे कट लगा देंगे, वो भी अब कि जब हम इसको पकाएंगे तो इसका स्किन को रिमूव करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक। एक अदद कुकिंग पैन लेंगे जिसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, तो इसमें ये सारे टमाटर ऐड कर और इसको मैं 20 मिनट के लिए कवर कर मैं इसको फ्लेम पर रखती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और इसको मैं 20 मिनट के लिए इसको पकना रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें टमाटरों का अपना पानी होता है, ये देखें पानी कितना है इसमें, ये देख रहे हैं। अब मैं इसको निकालूँगी, ये सारे इसकी स्किन रिमूव हो गई हुई है, बहुत नरम पड़ गई। इस तरह मैं सारे इसके स्किन्स निकाल के फिर दिखाती हूँ आपको। इनके सारे मैंने स्किन्स रिमूव कर दिया, इसको मैं कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। अब यही एक अदद दूसरे पैन में हम ये लेंगे और जिसमें जो टमाटरों का जितना पानी था ये हम इसको ड्रेन कर लेंगे, ताकि इसमें जो भी है इसका एक्स्ट्रा इस तरह निकल जाएगा। अब एक ब्लेंडिंग जार लेंगे जिसमें हम ये सारे टमाटर ऐड करेंगे, वो भी थोड़े से कूल हो जाए तो फिर कीजिएगा, ये ना हो कि ब्लेंडर आपका ख़राब हो जाए, ठीक है। तो माशाल्लाह आजकल टमाटर बड़े अच्छे आए हुए हैं और वैसे भी सस्ते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना रमज़ान से पहले बाकी तैयारियों के साथ साथ इसको भी करें और घर पे जो खुद से बनाई हुई केचप का मज़ा ही और है, और यकीन जाने ये बहुत मज़े की लाजवाब बनेगी। तो मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसी तरह मैंने थोड़े थोड़े करके सारे इसी तरह मैंने स्ट्रेन कर लिए। इसको छलनी में डालेंगे और ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ये जितना भी जग में लगा हुआ ये टमाटरों का बचा हुआ पानी जो है ना, ये इसमें ऐड करेंगे और दोबारा से हम इस स्ट्रेनर में डालेंगे, ताकि ये अच्छे से इसका जितना पल्प है वो हमें मिल जाए। ये देखें ये इस तरह जितना इसका ही है ना वेस्ट कर देंगे हम इसको। उसी ब्लेंडिंग जार में 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, रेड चिली भी मैं इसमें ऐड करूंगी, 3 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, 2 टीस्पून टार्टरिक इसमें ऐड करूंगी, सिट्रिक एसिड। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको केचप को ख़राब होने से बचाएगा, प्रिजर्वेटिव रखेगा, जो कि आप फ्रिज के बगैर जो जैसे मर्जी इसको यूज़ करेंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये किसी भी केमिकल शॉप में इंसार शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखिए 1 टीस्पून है, ये सिर्फ हम 3 किलो टमाटर में हम सिर्फ इतना ही ऐड करेंगे, ठीक है। जग में मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, सारे मसाले ऐड किए हैं और ये देखें 1 टीस्पून डाला है इसमें सोडियम बेंजोवेट, ठीक है, इसका नाम है सोडियम बेंजोवेट, ये डाल के ऐड करेंगे। इसके अलावा लहसुन की 8-10 जवे जाएंगे इसमें, ये ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड करते हैं। चूँकि लहसुन डाल के हमने इसको ब्लेंड किया था तो हम इसको दोबारा से छान लेंगे। जब सब कुछ मिक्स हो जाएगा अब हम इसको दोबारा इसको पकना रख देंगे और हम इसको पकाएंगे, लेकिन अभी भी हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं।
तीन कप हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, दो और तीन कप, एक कप इसमें वाइट विनीगर जाएगा। दोबारा से वही ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें दो ग्लास पानी डालेंगे, ये पाउडर है जैंथम गम, ये किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, अक्सर टमाटर में यूज़ किया जाता है, केचप में यूज़ किया जाता है, जो कि पानी नहीं छोड़ता और ये उसको चीज़ को ठीक करने में काम देता है, जैंथम गम। ठीक है, 3 kg मैंने टमाटो लिए थे, उसमें सिर्फ ये देखें 1 tablespoon ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। देखिए मैंने इसको आधे मिनट से भी कम किया और ये देखिए इतना थिक हो गया, ये देखिए बस इसी फॉर्म में चाहिए, आधे मिनट से भी कम मैंने इसको ब्लेंड किया। हम ये मैं इसमें केचप में ऐड कर रही हूँ, ये देखिए ऐड करूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इस केचप को मैं 1.5 घंटे के लिए मैं इसको कुक करूँगी। और अभी मैं इसमें फूड कलर भी मैंने ऐड करना है, ये देखिए अच्छे से क्लीन कर लें, ये सारा इसमें ऐड करें। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, ये भी आपको पता है जब तक चीज़ नज़र को अच्छी नहीं लगेगी तो दिल मन खाने को भी नहीं करेगा, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल के चेक करती हूँ और मैं इसको देखती हूँ कि इसकी कितनी मुझे रिक्वायर है जो कि ओरिजिनल कलर में आ जाए। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कलर डालने से ना इसका ओरिजिनल इफ़ेक्ट आएगा मज़े का। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके कलर ऐड किया और मुझे इतना ही अच्छा लग रहा था, रिक्वायर्ड थी। अब मैं इसको कम से कम 20-25 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी, फिर मैं इसको कूल करूँगी, फिर मैं इसको बोतलों में भर लूँगी। इसमें एक और मज़े की सीक्रेट चीज़, ये देखिए ये मैंने इमली की चटनी जो मैंने घर पे तैयार की थी ये मैं इसमें ऑप्शनल है, ये अगर आप इस तरह कूल करके केचप यूज़ करोगे वो भी बेस्ट है, लेकिन मैं इसमें ये इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। ये इसलिए कि बहुत ही मशहूर ब्रांड है बेक पार्लर का, उसमें इस चटनी का टच आता है और ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर लगता है इसमें, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बिल्कुल हटकर चीज़ लगेगी और आप प्लीज़ ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है ये। ये देखें पक पक इतनी थिक हो गई है, बस जैसे ये थिक हो जाए हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे कूल करके यूज़ करेंगे। देखिए माशाल्लाह 3 किलो टमाटर की कितनी मज़े की बन गई और इतनी क्वांटिटी में बन गई, ये देखिए कूल होने के बाद कुछ इस तरह इसका रिज़ल्ट है। अब मैंने बोतल्स में भरने लगी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये इतनी क्वांटिटी में बन जाएगी कि रमज़ान और बहुत मज़े से गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी में बन गई है, देखें ये है और इसमें मैंने डाली है बोतल्स में, तो ये देखें बहुत मज़े की लग रही है, बहुत ही मज़े की लग रही है। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी तक, रखिए अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।